हेलो दोस्तों, रूहाना जोड़ में आपका स्वागत है। डोरमेट का एक और वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, प्रतिस्पंदों से मैंने राउंड शेप का ही डोरमेट तैयार किया है। देखिए, अंदर मैंने स्टार टाइप के डिजाइन दी हुई है, बहुत ही प्यारा और जल्दी बन के ये तैयार होता है। नौ करियों से मैंने इस डोरमेट को तैयार किया है। तो आज देखिए, इसका वीडियो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सिलाई में मैंने ये 32 फंदे लिए हैं। तो 32 फंदे देखे, मैंने 10 फंदे ये बाहर की तरफ, फिर 6-6 फंदे ये बीच में मैंने लिए हैं पिंक और ग्रे के, और 10 ही फंदे ये अंदर की तरफ लिए हैं। तो इस तरह से मैंने 32 फंदों को देखे डिवाइड किया है। ये स्टार्टिंग में जैसे मैंने फंदे लिए थे 10, 6, 6 और 10, इसी तरह से ये सिलाई में हमने ये फंदे लिए हैं और ये डोरमेट तैयार किया है। आखिरी के लिए मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप चाहें तो एक कलर के फंदे लेके फिर उनको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, या अलग अलग कलर के फंदे ले सकते हैं। तो देखिए, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और धागे को सामने की तरफ करते हुए यहाँ हमें 9 फंदे बुनने हैं। ये देखिए, ग्रे के 9 फंदे हमने उतार लिए हैं और एक फंदे को हम यहाँ पिंक बुन लेंगे। बीच के तो हमने 6-6 फंदे लिए हैं, ये फंदे हमारे 6-6 ही रहेंगे। तो देखिएगा आप, यहाँ हमें पिंक के एक फंदा हमने ग्रे का पिंक किया है और सामने से 5 फंदे और हमें बुन लेने हैं। ये एक पिंक का है, एक ग्रे बनने। तो इधर 6 पिंक के हो गए, 6 ही हमारे ग्रे के हो गए। सामने वाले एक ग्रे का फंदा है जो हम पिंक से बुनेंगे यहाँ पे। ये 2 फंदे हमें बिना बुने छोड़ देने हैं। तो यहाँ से हम धागा पलट लेंगे और सामने की तरफ से बुनाई करेंगे। सामने की तरफ से जो फंदा जिस कलर का है आखिरी तक मैं उतार लेती हूँ। तो ये एक सिलाई देखिए हमने यहाँ पे बुन ली है। देखिए एक और बार, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रे, पिंक और इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग गोले लिए हैं, यानी कि आप चाहे तो एक ही को कंटिन्यू कर लीजिए या फिर आप 4 गोले अलग अलग ले लीजिए। इससे क्या होगा कि पीछे की तरफ से भी हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए, बाहर के जो मैंने ग्रे 10 फंदे लिए हैं, इनमें से एक और फंदे को हम यहाँ पिंक बुन रहे हैं। पिंक के फंदे हमारे 6 ही रहेंगे। देखिए 5 फंदे इसमें से हम बुन लेंगे और ये वाला जो फंदा है ये हम ग्रे बुनेंगे। तो देखिए 6 हो गई ये। एक पिंक बुन लेंगे। दो फंदे और यहाँ हमारे बिना बुने हम यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ ये छोड़ के धागा यहीं से हम पलट लेंगे। सामने की तरफ से जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हम उतार लेते हैं। देखिए, धागे को पीछे की तरफ करते हुए सामने की तरफ ग्रे वाले धागे को क्रॉस करवाते हुए हल्का सा खींचते हुए लेके आएंगे, जिससे कि बीच में जाली नहीं बनती है। तो ये सारे फंदे मैं ही उतार लेती हूँ। तो देखिए, दो
तो करते हुए हमने चार फंदे इस तरफ छोड़ दिए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे ये आठ फंदे और ये यहाँ रह जाते हैं। तो एक और सिलाई मैं आपको यहाँ पे बुन के बता रही हूँ। तो पहला फंदा इस तरह उतारने से जो किनारे की फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। तो देखिए एक और ग्रे का फंदा जो हम पिंक से बुन लेंगे यहाँ पे। पिंक का एक फंदा ग्रे से बुनेंगे। ये देखिए छह फंदे हो गए हैं, एक ग्रे का फंदा जो है ये पिंक से हम बुन लेंगे। नीचे की तरफ बुनाई करते हुए जब हम जाएंगे तो इस बार दो और फंदे हमारे यहाँ पे बिना बुने रहेंगे। तो देखिए छह फंदे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं सामने की तरफ की बुनाई करते हुए। जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने तीन सिलाई इसमें निकाल ली है। तो इस तरफ से देखिए छह फंदे ये हमने छोड़ दिए बिना बुने। इसी तरह से दो दो करते हुए और फंदे छोड़ देंगे और इस तरफ से आखिरी के दो फंदे रहने तक हमें बुनाई करनी है। तो इसी तरह से देखिए ये यहाँ पे नीचे की तरफ भी बुनाई जा रही है और दो फंदे आखिरी तक रहने तक ये बुनना है और आधी कली हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे मैं आधी बुनाई कर लेती हूँ। तो देखिए दो दो करते हुए मैंने ये फंदे छोड़ दिए हैं यहाँ पे और आखिरी के दो फंदे हमारे यहाँ रहते हैं। तो अभी मैं आपको बाकी आधी कली की यहाँ पे बुनाई करके बताऊंगी। तो देखिए जिस तरह से ये इस तरफ बुनाई हुई है अभी ऊपर की तरफ हमारी बुनाई चलेगी। तो दो फंदे हमारे हैं, इस बार हमारे एक फंदा सामने से बुन लेना है। देखिए दो फंदे ग्रे के हैं, एक पिंक में से एक ग्रे फंदा हम बुन लेंगे। तो देखिए ये फंदे तीन हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो बीच वाले फंदे हमारे छह छह चलते ही हैं। तो देखिए पिंक का एक फंदा हमने ग्रे से बुना है तो पिंक के यहाँ पे पांच फंदे हमारे बचते हैं। तो सामने से एक फंदा और हम ग्रे वाले में से पिंक बुन लेंगे तो इससे बीच वाले फंदे छह हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो देखिए ये बीच के फंदे हमारे छह हो गए यहाँ पे। और एक सामने से पिंक का फंदा हम ग्रे बुन लेंगे यहाँ पे। तो ग्रे फंदे भी हमारे यहाँ पे छह हो जाएंगे।
सामने से जो दो दो फंदे हम बिना बुने छोड़े जा रहे थे उन्हें अभी हम बुनाई में लेंगे। तो सामने से दो फंदे हमारे बिना बुने छोड़े हुए थे इन्हें हम बुन लेंगे और धागे को यहीं से हम पलट लेंगे। तो देखिए तीन फंदे के हमारे इस तरफ से हमने बुने हैं और तीन फंदे हमारे आखिरी के। सामने की तरफ से जो फंदा जैसा है वैसा ही हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देखिए एक और बार मैं आपको यहाँ पे बुन के बता रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे धागे को सामने करते हुए। तो दो फंदे गिरे के हमारे पहले से थे, एक फंदा हमने सामने से पिंक वाले में से बुना था। इस बार एक और सिलाई में यहाँ निकाल के बता रही हूँ आपको। तो पिंक का ये सामने वाला फंदा हम ग्रे से बुन लेंगे। देखिए चार फंदे ये हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो देखिए बिना बुने फंदों में से जब हम दो फंदे उठाएंगे तो बीच में अगर गैप दिखे तो बीच से एक फंदा ले लेंगे और दो फंदों का एक फंदा करते हुए हमें बुन लेना है। तो ऐसे नहीं तो फंदों की संख्या बढ़ेगी और बीच में जाली भी नहीं बनेगी। तो हमें दो दो करते हुए बिना बुने जो फंदे हमने छोड़े हुए थे उन्हें ही बुना भी लेना है और धागा वहीं से हम पलट लेंगे। तो देखिए दो दो करते हुए मैंने ये फंदे उठा लिए हैं और इस बार सामने से एक और फंदे यानी कि तीसरा पेयर जो है वो हम लेंगे यहाँ बुनाई में। तो इस बार हमारे बाहर की तरफ पांच फंदे ये हो जाएंगे। तो पिंक का एक फंदा हम ग्रे से बुनेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे दो रंगों से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें चार कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सामने से दो फंदे लेंगे, बीच में गैप दिख रहा है तो बीच से एक फंदा लेके तो सामने वाले फंदे के साथ दो फंदों का एक फंदा करते हैं हम बुन लेंगे। धागे को यहीं से पलट लेंगे और सामने की तरफ की बुनाई करेंगे। सामने की तरफ की बुनाई में कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, लेकिन हमें देखिए जब धागे को क्रॉस करवाएं तो हल्के से खींचते हुए इसको सामने की तरफ लेके आए जिससे कि बीच में जाली ना बने और फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए बाहर की तरफ ये पांच फंदे ही हो जाते हैं और इस तरफ देखेंगे ये फंदे मैंने उठा लिए हैं और ये पांच जोड़े हमारे ये 10 फंदे जो हैं ये हमारे और रह जाते हैं। तो इन्हें भी हमें बुनाई में ले लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारी ये बुनाई इस तरह से ये ऊपर की तरफ आती जाएगी और इस तरह से ये हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये बुनाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे पूरा कर लिया है।
तो एक कली ये बनके तैयार हो गई है। और फिर वही स्टार्टिंग वाले जो फंदे थे हमारे, वो 10 6 6 और 10 वो फंदे हमारे सिलाई में यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने ये डोरमेट बना के तैयार कर लिया है। अभी मैंने देखिए ये फंदे बंद कर लिए यहाँ पे। मैंने फंदे बंद करना पीछे के वीडियो में भी अपने बताया है कि दो फंदों का एक फंदा करते हुए मुराई में लेना होता है। देखिए ये मैं आपको मैंने बंद कर लिया है और अभी मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। देखिए दोनों हिस्सों को बराबर जोड़ते हुए हमें, देखो कली से कली मिलाते हुए, देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको सील लिया है। और इस तरह का ही डोरमेट हमारा बनके तैयार होता है। बहुत ही आसान और इजी स्टेप्स में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।